दोस्तों, अगर बात सांपों की आती है तो सांप के नाम से इंसानों की तो रूह कांप जाती है, क्योंकि वो एक जहरीला जीव है जिसके काटने से इंसान मर जाता है। लेकिन हर दर्द की दवा होती है, और इन सांपों का मर्ज ये है कि इन्हें भी नेवले और हनी बैजर जैसे जीव अपना भोजन या शिकार बनाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ब्राजील के आइसलैंड, जिसे सांपों की धरती कहा जाता है, उस पर अगर हनी बैजर को भेजा जाए तो क्या होगा? क्या वो अपनी भूख को इन हजारों लाखों सांपों के बीच मिटा पाएगा, या फिर खुद सांपों का खाना बनकर रह जाएगा? तो आज की हमारी ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनी बैजर सांपों को बेहद चाव से खाना पसंद करते हैं और वो उन्हें जिंदा खाते हैं। हालांकि सांपों का जहर उनकी मूर्ति डीली और चिकनी बालों वाली परतदार चमड़ी पर कोई असर नहीं, क्योंकि उनके बाल सांपों के नुकीले दांत उनके अंदर जाने से रोकने में हनी बैजर की मदद करते हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि सांपों के जहर में प्रोटीन पाया जाता है, और शायद यही वजह है कि हनी बैजर को काफी मात्रा में सांप के अंदर प्रोटीन मिल जाता है, तो भला उन्हें जहर कैसे असर कर सकता है? और जाहिर तौर पर कुछ जानवर जैसे नेवला, हाथी, कैलिफोर्निया ग्राउंड गिलहरी और यहाँ तक कि सांप शिकार पक्षियों को भी सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने हर मर्ज की दवा बनाई है। हालांकि हनी बैजर एक ऐसा जीव नहीं है जो सांपों का शिकार करता है, बल्कि सांपों का शिकार कई जीव, पक्षी और जानवर भी करते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये निडर और साहसी जीव होते हैं, और ये सांपों को मारने के लिए चुपके और चपलता से अपने शिकार को अपने चंगुल में फंसाते हैं। लेकिन हनी बैजर सांपों को अंदर और फुफकारने और काटने और बिना पीछे हटने के स्वाइप करके मारता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर हनी बैजर को ब्राजील के आइसलैंड पर भेजा जाए तो क्या वो इस खतरनाक वादियों में अपने भोजन को पाकर खुश होगा, या फिर अपनी मौत को बुलावा देकर निराश? दरअसल ब्राजील में एक आइलैंड है। इस आइलैंड पर इतने सांप रहते हैं कि यहाँ ना कोई जा सकता है, ना ही बचकर वापस आ सकता है। दिखने में ये तस्वीर आपको काफी उम्दा लग रही होगी, क्या गजब का आइलैंड है। लेकिन भैया, ये वही जगह है जहाँ इंसानों का नहीं, सांपों का राज चलता है। ब्राजील के चर्चित शहर साओ पालो से 144 किलोमीटर दूरी पर यह आइलैंड है। इस आइलैंड को दुनिया अलह डी कोमेडा ग्रैंड के नाम से जानती है। हालांकि ये आइलैंड स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव कर लो थोड़ी। पता है दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। मसलन वाइपर प्रजाति के सांप यहीं पाए जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक डिस्कवरी टीवी पर कोबरा सांप की फाइट देख देख कर कहा है कि भाई ये बहुत खतरनाक सांप हैं, उनके लिए खास है पॉइंट। जो सांप इस आइलैंड पर पाए जाते हैं, माने वाइपर प्रजाति के सांप, उनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। इस आइलैंड में कई हादसे हो चुके हैं, उसके बाद से ही ब्राजील की सरकार ने यहाँ ट्रैवल पर बैन लगा दिया है। यहाँ जाने के लिए खास तौर पर ब्राजील की सरकार से अनुमति लेनी होती है। अभी मौजूदा हालात ये हैं कि यहाँ 4000 से ज्यादा सांप हैं। लेकिन कुछ रिसर्च सामने आई है, इसमें ये सामने आ रहा है कि बीते 15 सालों में यहाँ सांप की संख्या 15% तक कम हुई है। अब आपको क्या लगता है कि सांपों की धरती के बारे में इतना कुछ जानने के बाद एक बेचारे छोटे से हनी बैजर को यहाँ भेजा जाएगा तो क्या वो सही सलामत वापस आएगा कि नहीं? दरअसल इस आइलैंड पर ऐसे ऐसे खतरनाक सांप रहते हैं जिनकी एक बाइट से इंसान मर जाए, और हनी बैजर बेचारा पूरा का पूरा सांप खाने वाला, उसे भला कौन बचा सकता है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।